इंग्लिश बाल भारती सिक्स्थ स्टैंडर्ड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड वॉइस टू चैप्टर 3.3 अ वॉल मैगजीन फॉर योर क्लास। अ वॉल मैगजीन फॉर योर क्लास ये चैप्टर पेज नंबर 29 में दिया गया है। अब बच्चों ये एक एक्टिविटी बेस्ड चैप्टर है जिसमें दिया गया है कि किस तरह अपने क्लासरूम के लिए वॉल मैगजीन बनाना, एक बच्चे अपना आइडियाज़ लेते हैं बहुत कई जैसे मैगजीन से या कहीं से भी आइडियाज़ लेते हैं अपने क्लासरूम के लिए वॉल मैगजीन बनाने के लिए। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या दिया है, हम पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स ऑफ सिक्स ए बबल्ड विथ एंथुजियाज्म ऑल द टाइम बी इट स्पोर्ट्स हॉबीज और स्टडीज। दिस ईयर दे सरप्राइज द रेस्ट ऑफ द स्कूल बाय ब्रिंगिंग आउट अ वॉल मैगजीन। द आइडिया बिकेम सो पॉपुलर दैट सून देयर वर यूनिक वॉल मैगजीन्स इन ऑलमोस्ट एवरी क्लास इन द स्कूल। दिस इज वॉट क्लास 6A डिड टू प्लान एंड प्रिपेयर देयर वॉल मैगजीन। तो क्लास 6A के बच्चे बहुत एंथुजियास्टिक रहते हैं तो उनको बहुत स्टडीज की और कुछ नया करने की बहुत एक हॉबी रहती है। तो उन्होंने सरप्राइज अपने जो स्कूल को एक वॉल मैगजीन बना के दिखाया और उन्हें सरप्राइज कर दिया स्कूल को कि एक यूनिक वॉल मैगजीन बना के दिखाया। तो एवरी क्लास में वो वॉलपेपर्स लगे और देखते हैं वो कैसे ये सब प्रिपेयर किया उन्होंने बच्चों ने। फर्स्ट द स्टूडेंट्स एंड क्लास टीचर ऑफ 6A ब्रॉट सेवरल चिल्ड्रंस मैगजीन्स एंड पेजेस ऑफ चिल्ड्रंस सेक्शंस इन पीरियडिकल्स एंड न्यूज़पेपर्स टू द क्लासरूम। तो सबसे पहले क्या किया कि स्टूडेंट्स एंड जो क्लास टीचर हैं 6A की, उन्होंने क्या लिया चिल्ड्रंस मैगजीन पेजेस ऑफ चिल्ड्रंस सेक्शंस न्यूज़पेपर्स उन्होंने क्लासरूम में लाया। दे स्टडीड द कंटेंट्स टू सी व्हाट ऑल वाज इंक्लूडेड इन द मैगजीन। तो उन्होंने कंटेंट देखे पढ़े कि मैगजीन्स में क्या इंक्लूड है। There was a tremendous variety, stories, poems, puzzles, riddles, crafts, बहुत सारी varieties थे जैसे stories के poems दिया हुआ था, puzzles, riddles, ये क्या है craft, ideas, informative articles, interesting tidbits of information, jokes, board games, book reviews, quizzes, quizzes, study tapes, health tapes and even recipes. There were also columns about students' achievements, doubts and problems. These columns were run with the help of teachers or parents. तो ये सब उस मैगजीन्स में कई इंक्लूड थे, बहुत सारे कंटेंट्स थे ये सब। तो उसमें उन्होंने टीचर्स ने स्टूडेंट्स ने टीचर्स और पेरेंट्स की हेल्प ली। आफ्टर स्टडीइंग ऑल द मटेरियल और डिसीजन वाज हेल्ड इन द क्लास टू चूज सेक्शंस फॉर देयर ओन मैगजीन। इट वाज डिसाइडेड दैट तो सब मटेरियल पढ़ने के बाद क्लास ने डिसाइड किया तो उन्होंने एक अपना खुद का एक मैगजीन तैयार किया। तो क्या डिसाइड किया था, There would be at least 4 issues of magazines. There would कितने 4 issues, at least 4 issues magazines में होने चाहिए magazine में। There would be a separate team for each issue. तो जो सब issue के लिए एक separate team होनी चाहिए। The team would have an editor, one or two sub editors, illustrators, artists and writers, those who actually copied or typed the issues in beautiful letters, हैं। तो ऐसी उन्होंने टीम बनानी चाहिए जिसमें एडिटर हो,
एक दो सब एडिटर्स हो, आर्टिस्ट हो, राइटर्स हो, तो एनीवन इन द क्लास कुड सेंड कंट्रीब्यूशंस टू द इश्यू. जो भी क्लास में इश्यूज जो भी ये जो इश्यूज उन्होंने सिलेक्ट किए तो वो अपना सहभाग दे सकता है. द एडिटर्स वुड सिलेक्ट द आर्टिकल्स टू बी इंक्लूडेड एंड देयर डिसीजन वुड बी फाइनल. एडिटर्स वुड सिलेक्ट द आर्टिकल्स टू बी इंक्लूडेड, तो वो जो भी आर्टिकल्स है वो इंक्लूड करेंगे एडिटर्स और फिर अपना डिसीजन फाइनल डिसीजन बताएंगे. Thus, there would be four different teams to work on the four issues. तो चार different teams रहेंगी जो और to work on four issues. चार issues पे काम करने के लिए four different teams रहेंगी. The columns, regular features in all four issues were planned with the help of the class teacher. तो class teacher के help से columns बनाए गए जिसमें प्लान किया गया जो इश्यूज थे. आफ्टर अपार्ट फ्रॉम द एडिटोरियल टीम्स मोर ग्रुप्स वर मेड टू रन कॉलम्स. लाइक फिर एडिटोरियल टीम्स के अलावा भी और ग्रुप बनाए गए जिन्होंने कॉलम के लिए चाहिए थे. लाइक क्राफ्ट आइडियाज, रेसिपीज, आई नीड हेल्प, साइंस कॉर्नर एक्सेट्रा. इट वॉज द जॉब ऑफ दीज ग्रुप्स टू कलेक्ट मटेरियल फॉर देयर रिस्पेक्टिव कॉलम्स. तो ये जो कॉलम्स थे तो वो ग्रुप्स की जिम्मेदारी थी उसके बारे में मटेरियल्स इकट्ठा करने की. विद द टीचर्स हेल्प अ प्रोमिनेंट प्लेस वॉज फिक्स्ड टू डिस्प्ले द मैगजीन इन द क्लासरूम. टीचर्स की हेल्प से मैगजीन क्लासरूम्स में लगाने के लिए फिक्स करने के लिए एक प्लेस तैयार की गई. अ लॉन्ग डिसीजन वॉज हेल्ड टू चूज अ गुड नेम फॉर द मैगजीन. एक बहुत बड़े डिस्कशन के बाद अ गुड नेम फॉर द मैगजीन चूज किया गया. गुड नेम फॉर द मैगजीन. अब जैसे एक डिपार्टमेंट था जोक्स का, इसमें कुछ जोक्स रहेंगे. यहाँ कुछ जोक्स दिए जैसे टीचर वैली व्हाई आर यू लेट. वैली कहती है द ट्रेन हैड अ फ्लैट टायर. तो इस तरीके के जोक्स है जो एक वॉल पे लगाया गया. फिर दूसरा डिपार्टमेंट था कुछ साइंस कॉर्नर का, जिसमें साइंस से रिलेटेड कुछ मटेरियल बनाए गए. आई एम कन्फ्यूज प्लीज हेल्प. ये एक क्वेरीज अपने क्वेश्चंस रखने का एक वॉल रखा गया था जहाँ पर बच्चे अपने कोई भी क्वेरीज टीचर्स से पूछ सकते हैं, ऐसा रखा गया था. और फिर दूसरा कॉर्नर था राइम्स एंड रिदम्स, पोएम्स का कॉर्नर. तो इस तरह स्टूडेंट्स ने अपनी ये कुछ एलिमेंट्स मिला के एक मैगजीन तैयार की थी जिसको हर क्लासरूम में लगाया गया था. इस तरह एक इंटरेस्टिंग और आइडियाज लेके, हर तरफ से आइडियाज गैदर करके बच्चों ने अपने टीचर्स की हेल्प की से एक मैगजीन बनाया. तो ये आइडियाज सब जगह बहुत पॉपुलर हो गई. आप भी अपने बहुत सारे आइडियाज़ गैदर करके एक मैगजीन, छोटा मोटा मैगजीन बना सकते हैं और उसे क्लासरूम्स में या घर पे घर के रूम में लगा सकते हैं. तो इस तरह ये चैप्टर अ वॉल मैगजीन फॉर योर क्लास फिनिश होता है. और अब इससे रिलेटेड हम नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे.